अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब लोग खैरियत होंगे, फिट होंगे। आज मैं आया हूँ पेट्स क्लिनिक पे, और यहाँ पे मेरा कैट की ट्रीटमेंट चल रही थी काफ़ी दिनों से। आज माशाल्लाह वो रिकवर हो गया, तो उसकी थोड़ी सी लास्ट डे है मेडिकेशन की, तो उसकी मेडिकेशन करवाएंगे अभी, और साथ में क्लिनिक का विज़िट भी करेंगे और आपको भी करवाएँगे इंशाल्लाह, डॉक्टर से भी मुलाकात करते हैं। तो चलते हैं क्लिनिक। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत? ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राशिद साहब, पेट के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पे। तो इन्हीं को मैं अपनी कैट चेक करवाता हूँ। और ये मेरा कैस्पर है, जिसका 6 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा था, आज माशाल्लाह रिकवर हो गया। तो अब इसका उतारना, ये बर्नूला जो उसको लगा हुआ था। डॉक्टर साहब ने हमारा ट्रीटमेंट तो कर दिया कैट का, अब इनसे हम लेते हैं इनका शॉर्ट इंटरव्यू कि इनके पास कौन कौन से नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर राशिद हूँ, वेटनरी फिजिशियन एंड सर्जन द पेट्स मेडिक एनिमल हॉस्पिटल से। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर फैसिलिटीज़ जो है ना वो अवेलेबल है, पेट की ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, मेडिकेशन, मतलब तमाम सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। पेट फूड भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं हर ब्रांड हमारे पास अवेलेबल है, प्रीमियम ब्रांड से लेके नॉर्मल ब्रांड तक सारी मतलब चीज़ें अवेलेबल हैं। ग्रूमिंग भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है, और ऑपरेट वगैरह हम करते हैं जनरल एनेस्थीसिया से भी और गैस एनेस्थीसिया से भी। तो सब सर्दियों में पेट की केयर कैसे की जाए कि अब सर्दियाँ आ गई हैं डॉग्स हैं? जी, सर्दियों में जो मेन चीज़ है वो अपने टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो ठंड से अपने पेट को बचाएँ। ठंड की वजह से ख़ास तौर पर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है कैट्स को, ये सर्दियों में आजकल जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है वॉमिटिंग का, तो इसमें आप अपने पेट का टेम्परेचर जो है ना वो 101 तक 100 तक 101 तक ये आपने लाजमी मेंटेन करना है। ठीक है। इसमें आप फिर न्यूट्रिशन जो है वो आप अच्छी उसको अच्छी फीड ऑफर करें, उसमें प्रीमियम ब्रांड आप उसे प्रोवाइड करें, उससे इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम नहीं होंगे, स्टोमिक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी आप अच्छे ब्रांड की तरफ जाएं। तो डॉक्टर साहब ये मतलब कि अब कैसे पता चलेगा जो न्यू होते हैं, बिगनर्स होते हैं पेट के अंदर, कि हमारी कैट बीमार हो रही है, डॉग बीमार हो रहा है, तो उसको कैसे सिम्टम शो करेगा, वो फर्स्ट सिम्टम्स क्या शो करता है कैट? देखें जी, सबसे पहले अगर आप पेट लवर हैं या आपने अभी पेट स्टार्ट किया है, तो आप उसका जो एक रूटीन हेल्थ चेकअप है सबसे पहले तो वो करवाएं, यानी वो हर 15 डेज में आप उसकी नेल ट्रिमिंग भी करवाएं, एयर क्लिनजिंग भी करवाएं, और उसका जनरल चेकअप भी एक दफा करवाएं, बॉडी वेट उसका करवाएं। आप देखेंगे उसकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, बॉडी वेट का आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली आप उसका एक डिवर्मिंग शेड्यूल जो है ना वो अपनाएं, आपको मतलब पता हो कि कैट की डिवर्मिंग हमने लास्ट टाइम कब करवाई है। हमारे पास पेट पासपोर्ट भी अवेलेबल है और पेट हेल्थ कार्ड भी अवेलेबल है, उसमें सारी चीज़ें हम जो रूटीन चेकअप की होती हैं वो मेंशन करते हैं। तो गाइस ये देखें जी, ये कैट फूड की वैरायटी है काफ़ी सारी, और ये उसके होती हैं तस्वीर होती हैं, ये कैट्स के लिए जो है लिकेबल जो इजी फूड है, जेली फूड और पेस्ट वगैरह, ये वो चीज़ें हैं सारी, और ये भी एक्सेसरीज हैं, इसमें वो फीडर है और बाउल वगैरह है, नीचे ये लीटर वगैरह है, और ये कैट फूड हैं, ये डॉग फूड भी हैं इसमें, और ये डॉग फूड आ गया, ये ऊपर केजेस पड़े हुए हैं, और ये नीचे मेडिसिन, शैम्पू, विटामिन वगैरह भी हैं किटन के लिए, जो किटन छोटा छोड़ देते हैं, और शैम्पूज हैं, जेली डॉग जेली आ गई, और ये लिटर बॉक्सेस, केजेस, बाकी ये डॉग की एक्सेसरीज, और ये नेल कटर, ये है जी यहाँ का क्लिनिक ऑपरेशन थिएटर जो बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये एक्सरे के लिए है कि कोई अगर फ्रैक्चर हो जाए, और बाकी ये सारी मेडिसिन का सेटअप है, और यहाँ पे ये टेस्ट कर रहे हैं लेबॉरेटरी। ठीक है,
audio jungle.